हम आपका पैर पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। ये तो बनाने वाली बात है। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कान भारती हाय हाय हम यहाँ पे आए हुए हैं सर। यहाँ बच्चे बच्चियाँ काफी मतलब लगभग 200 बच्चियों का या बच्चे का सर किसी का HM के गलती के कारण एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। उन्होंने सबसे बड़े पदाधिकारी हैं DO साहब जिला के, उनसे आपकी बात कराते हैं हैंड फ्री करके। आप लोग खाली सुन लीजिएगा, उसके बाद बात हल्ला कोई नहीं करेगा बीच में। आप लोग चुप रहिए, शांत रहो भाई, शांत रहो। हेलो ए भाई, ए सुनने की बात बोलना है अभी नहीं सर। हम यहाँ पे आए हुए हैं सर। यहाँ बच्चे बच्चियाँ काफी मतलब लगभग 200 बच्चियों का या बच्चे का सर किसी का HM के गलती के कारण एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। उन्होंने समय पे भुगतान नहीं किया बिहार बोर्ड को, तो पूरी तरह से हेडमास्टर सर दोषी है। तो हमें हम सर अप्रैल महीने में आवाज कट रहा है सर, हम फिर से कर रहे हैं, आवाज कट रही है। अब तो एक ही बात होता अप्रैल में, अप्रैल में ही सर, अप्रैल में नहीं नहीं सुनिए ना सर की बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है सर, सुनिए ना सारी बात सुन लीजिए, उसके बाद संजय सर को हम फोन कर चुके हैं। ठीक है तो सर, उसके बाद सर इन लोगों का एक क्वेश्चन है सर, ये जो कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा जिसका कि अप्रैल में परीक्षा होना और मई में रिजल्ट निकलना है, इन लोगों का कहना है कि उसका मान्यता बराबर नहीं है, जबकि हमने कहा कि मान्यता बराबर है सर। अब ये कंपार्टमेंटल नाम से नहीं इसको बुलाया जाता है, बुलाया जाता है परीक्षा के नाम। वही हम भी बताए सर कि विशेष परीक्षा का पहले ये प्रावधान नहीं था, ये छूटे हुए बच्चों के लिए 2 साल से सरकार करवा रही है और इसका भी बराबर मान्यता है, पूरी तरह से बराबर मान्यता है। और सर विद्यालय के HM को सर कल से यहाँ सर नहीं सर उसको हटा के सर दूसरे को हम लोग प्रभार सर आज दे दीजिए सर, आज ही किसी और को सर उसको हट सर जांच पदाधिकारी सर हम रहेंगे सर, जितना भी वो घोटाला गबन किया है उसको सर FIR करके सर उसको जेल भी भेजवाएंगे, लेकिन उसकी कुर्सी सर आज चली जानी चाहिए सर, आज ही। विशेष परीक्षा के बारे में कुछ अगर सर से पूछना तो आप ही सर से पूछ लें, विशेष आपका क्या सवाल था पूछिए। हेलो जो विद्यार्थी है जिनका ये आपका ये फरवरी में एग्जाम होना था, 15 फरवरी से जो एग्जाम होगा वो एग्जाम से HM के गलती के कारण वंचित हो रहा है। हाँ तो हेडमास्टर को कार्रवाई करेंगे, बता रहे हैं हेडमास्टर को आज ही कार्रवाई करें। जरा सा सर हमको बोलने दीजिए और जरा सा, हाँ मेरा कहने HM के गलती के कारण बच्चे का भविष्य जो गदर में चला गया उसका जिम्मेवारी सिर्फ HM नहीं है सर, आपका विभाग भी है। आप ये मान के चलिए कि आपका विभाग गलती आप इतना दिन से उनको नहीं जानते थे और पिछले उसको जब हम हाँ जरा सर रुके ना बात कर रहे हैं जरा सर, उसको जब हम कॉल किया एक आदमी बोलने दीजिए। हेलो सर, सिर्फ सर सिर्फ आपका HM का गलती नहीं है, आप उनको आज से नहीं जानते थे कि पिछले बार भी उन्होंने इस तरह से काम किया, कई विद्यार्थी 15-20 विद्यार्थी का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था
और ये उससे पिछले भी जारी ने कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 3 साल से वंचित है परीक्षा देने से। तो आपका विभाग भी सर पूरी तरह से जिम्मेवार है। आज मान लिया जाए इतना बच्चे का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, तब आप लोग संज्ञान में लिए हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए। अभी आप लोग के संज्ञान में आया है, इतना दिन से कर रहा तो आप लोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात सर, आपको ये भी जानकारी हम देना चाहते हैं कि इस बार भी जितना बच्चे का दोष नहीं है, ग्रामीण बच्चा है, गरीब बच्चा है, मासूम बच्चा है, जो कि किसी तरह से नमक रोटी खा के पढ़ता है यहाँ पे, समझे ना, उस तरह का बच्चा नहीं है यहाँ जो कि बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ता है और मोटी मोटी रकम लेके फीस भरता है, वो बच्चा नहीं है। किसी तरह बच्चे का यहाँ पढ़ाई के प्रति जागरूकता है, गरीब बच्चा है, वो चाहता है कि हमारा एक ही हथियार है कि हम पढ़ के आगे बढ़ें, और उसमें भी आपके विभाग के गलती के कारण बच्चा वंचित हो रहा है। तो इसको हम यही कहेंगे, आप विभाग से रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको अप टू डेट किया जाए और इसी 15 फरवरी को एग्जाम दिया जाए, बच्चे का एडमिट कार्ड जारी किया जाए। मैं विभाग से यही कहूँगा, के पाठक से बात कीजिए। सर आपकी मैंने सारी बात को सुना, पूर्व में हम भी इस स्कूल के छात्र हैं, वीडियो पूरा बनाइए। आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो कार्रवाई को जो है ना आपका सिस्टम ठेंगा दिखाता है। ये 63,10,70 लाख का आरोप पत्र गठित हुआ, 4 साल हो गया, क्यों नहीं रिकवर हुआ हमको बताइए तो लीजिए, क्यों नहीं रिकवर हुआ, क्यों नहीं रिकवर हुआ? अभी तक ये पैसा रिकवर नहीं हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय बाबू क्या बोले, इसी तरह होता है ग्रामीण क्षेत्र में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कैसे हम मान ले, हम भी इस स्कूल के छात्र है। 63,10,70 लाख भाई मेरा नाम है, डीएम प्रणब कुमार अच्छे से बैठा के आरोप पत्र गठित किए, खुद डीएम जांच किए, उसके बाद आज तक पैसा रिकवर नहीं हुआ। जब विशेष परीक्षा ली जाती है, होगा सर, कैसे हम मान ले, कैसे हम आपकी विभाग की बात को मान ले, कैसे विशेष परीक्षा लेना है तो पूरा बिहार का विशेष परीक्षा, विशेष एग्जाम लेना है तो पूरे भागलपुर जिला का विशेष एग्जाम। ये रिकवर क्यों नहीं हुआ 2018 से, कहां आपके सिस्टम में फोन है? आप देखिए सर, आप देखिए क्यों नहीं रिकवर हुआ, बाएं मेरे नाम से है। बैठ अभी, क्यों नहीं सर, क्यों बताइए, 18 से रिकवर क्यों नहीं हुआ, आपका सिस्टम है, बताइए हमको किन कारणों से नहीं हुआ। का आश्वासन स्वीकार नहीं होगा, हम स्टूडेंट हैं, आज भले हम कहीं भी हैं, आज आप पदाधिकारी बन गए, अपने स्कूल का स्टूडेंट ही हैं, आपका शिक्षक का कभी हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये बताइए क्यों नहीं रिकवर हुआ हमको बताइए, आपका सिस्टम है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का सिग्नेचर है, पदस्थ करते हैं, जांच हम करवाएंगे, कुछ नहीं होगा सर, जांच हम बताते हैं, निशिकांत भारती को जो प्रभार दिया वो चिट्ठी मेरे पास है, निशिकांत भारती को जब प्रभार मिला क्या हुआ आज तक उसके ऊपर कार्रवाई बताइए। सर तो बोले इसको हटा रहे हैं, आज ही हम हटाने सर क्या होता है, क्यों नहीं रिकवर हुआ हमको बताइए ना, सर रिकवर कहाँ हुआ हमको बताइए ना, आपके सामने संज्ञान में आई है बात, अब सर इसको संज्ञान में, जिला पदाधिकारी संज्ञान में, सब्र का बंद सर, हमारे संज्ञान में बात आई है, कार्रवाई जरूर की है, आपके विभाग का चिट्ठी है या नहीं है तो हम कहाँ करेंगे, नहीं है, हम 2018 का बात है, इसको संज्ञान में, 18 और 5 साल में रिकवर नहीं करा सके, क्या गारंटी है अप्रैल में इस बच्चे का भविष्य बन जाए, अगर अगले साल होता सर, 3 साल से बच्चे का टकराव, वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मटन भात खाते हुए वीडियो वायरल हुआ, ऐसे वीडियो बनाइए, वही शिक्षा पदाधिकारी इसको जवाब दिए थे कि अगले अप्रैल में आपको एग्जाम दिलाएंगे, 2 साल से ये बच्चा मटन गया सर, पैर में चप्पल नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, नहीं होती है, ये सर औसा स्कूल है, यहाँ से जिला टॉप किया है बच्चा, जिला टॉप 10 में 3 बच्चा आया था, बिहार स्टेट टॉप पे 3 बच्चा आया, सुनिए ना, हाँ। आप मेरी बात तो सुनिए, बोलिए तो, आप तो बहुत बोलिए, बोलिए ना, पहले मेरी बात, हाँ बोलिए, बहुत बोल रहे हैं, सुनिए, हमने आपके लिए लड़ रहे हैं, बोलिए, हम यहाँ से क्या, बोलिए ना,
बाबू सुनिए ना, अगर ये बोलेंगे सर जवाब देंगे आवाज आवाज को सुझाने के लिए, तो आप अब समस्या को सुझाने भी नहीं देंगे और आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं हुआ। अरे आज ही होगा तो क्या दिक्कत है, हम आज करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई। सर यहाँ 240 पहले उसको सर हम आपका पैर पकड़ते हैं, वीडियो बनाने वाली बात है, आपका पैर पकड़ते हैं वीडियो बनाने वाली बात है। हम पैर पकड़ते हैं, बता रहे हैं हम आपका पैर पकड़ते हैं, बच्चे का भविष्य बनाएंगे। आप ये गलत बात यूज कर लिए, नहीं बच्चा रो रहा, अगर आप इस हमने तो कहा एक विशेष परीक्षा दिलवाई है। ये चाची का अब आप वीडियो बनाने वाली बात कर रहे हैं, अब आपका मोटो अलग हो गया, आप समस्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आपका सिस्टम।